हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मॉम किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कर आए हैं आंवले का मुरब्बा। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे आंवले का चूंडा, इस बार हम आपको बता रहे हैं मुरब्बा आंवले का। तो चलिए बताते हैं मुरब्बा कैसे बनता है। मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है। देखिए, आंवले में कोई दाग ना हो, सड़ा ना हो, एकदम फ्रेश आंवला ले लीजिए। मार्केट में इस समय आंवला आ गया है। इसको अच्छे से धुलकर 1 घंटे के लिए पानी में मैंने भिगोकर रखा हुआ था। इस तरह चलिए हम आंवले को पिक करते हैं। ये फॉक की सहायता से, कांटे वाला चम्मच जो होता है, इस तरीके से हाथ को बचा बचा कर, हाथ में लगे नहीं, बहुत ही सावधानी से आप घुमा घुमा के चारों तरफ से इसको इसमें छेद कर लीजिए। सारे आंवलों को इसी तरीके से हमको करना है। देखिए, मैंने सारे आंवलों को घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे तरीके से बचा कर, हाथ को बचा करके ही करना है। फॉक की सहायता से चारों तरफ पिक कर लेना है। इसको फिर हमें रख लेना है। अब हम इसको उबालेंगे थोड़ा सा। आप एक बर्तन लीजिए जिसमें आंवले को पानी में अच्छे तरीके से डूब जाए। सारे आंवलों को उसमें डाल दीजिए। देखिए, अब इसको हम 5 मिनट के लिए उबालेंगे। अच्छे तरीके से उबाल आने लगे, ये देखिए उबाल आने लगा है। अच्छे तरीके से उबाल आने लगे 5 मिनट के लिए, आप इसको फिर ढककर 5 मिनट के लिए आप इसको ढककर ऐसे ही रख दीजिए। 5 मिनट के बाद हम आंवले को बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप बचा करके, गरम है हमारे आंवले अभी, आप निकाल लीजिए इसको किसी बर्तन में, सारे आंवलों को आराम आराम से। अब हम बनाएंगे चाशनी। बर्तन में आप 1 किलो आंवला मैंने लिया है, 1.5 किलो चीनी ली है। आप बर्तन में ऐसे चीनी डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे आंवला। आंवला हम उबाले हैं, आंवले में आंवला भी पानी भी छोड़ेगा, तो इसकी वजह से हमें चाशनी जल्दी बन जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको लो टू फ्लेम में रख देंगे। गैस की फ्लेम जो है वो धीमी रहे, ऐसे आप चला दीजिए। देखिए, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आंवला चाशनी में अच्छे तरीके से पक रहा है। 5 से 10 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से पका लीजिए धीमी आंच पे। गैस का फ्लेम धीमा होना चाहिए। ऑलमोस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखिए, आंवले का मुरब्बा बनकर हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेके आती हूँ। थैंक यू।